हेलो स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर पेज नंबर 67 एंड टॉपिक इज द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। मींस इन नाजी व्हाट हिटलर वांटेड फ्रॉम द मदर। सो बॉयज वर टॉट टू बी एग्रेसिव, गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर एंड रियर प्योर ब्लॉन्डेड आर्यन चिल्ड्रन। तो जो है बॉयज को क्या कहा गया कि वो एक एग्रेसिव बने, और गर्ल्स को कहा गया कि वो जो है अच्छी मदर बने एंड प्योर ब्लॉन्डेड आर्यन चिल्ड्रन को पाले। गर्ल्स टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ रेस, और गर्ल्स को बोला गया कि वो अपनी रेस की, अपनी जर्मन रेस की जो है प्योरिटी को मेंटेन करके रखिए। ऑल मदर्स नॉट ट्रीटेड इक्वली, और जर्मन में उस समय सभी मदर्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। उसके लिए कुछ रिवॉर्ड सिस्टम एडॉप्ट किया था हिटलर ने। सो आई विल टेल यू अबाउट दैट रिवॉर्ड सिस्टम। सो अबाउट दैट रिवॉर्ड सिस्टम, दोज हु बोर अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड। जो अनडिजायरेबल बच्चे को जन्म देगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। दोज प्रोड्यूस डिजायरेबल वर अवार्डेड, और जो डिजायरेबल बच्चे को प्रोड्यूस करेगा या जन्म देगा उसको इनाम मिलेगा। अ ब्रॉन्ज क्रॉस फॉर फोर चिल्ड्रन, और चार बच्चे होने पर ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। सिल्वर मेडल मिलेगा 6 बच्चों पर, और गोल्ड मिलेगा 8 बच्चों पर। तो दिस वॉज द that this was happened during the Nazi. So Aryan women who married undesirable were paraded through the town with shaved heads, blackened faces and placards hanged around in their necks. और किसी आर्यन यानी कि जर्मन महिला की ने किसी undesirable व्यक्ति से शादी कर ली तो उसको उसका सर मुड़वा करके पब्लिकली पनिश किया जाता था, उसका मुंह काला कर दिया जाता था, और उसके गले में प्ले कार्ड टांग दिया जाता था जिसमें लिखा होता था मैनी रिसीव्ड जेल एंड सेंटेंस फॉर द क्रिमिनल ऑफेंस, और उनमें से बहुतों को जेल भी डाल दिया जाता था और उसको इस चीज़ के लिए ही पनिशमेंट मिलता था कि उसने ऐसा गलत क्यों किया। उनके गले में प्ले कार्ड रख दिया, उसमें लिखा था मैं ही क्रिमिनल हूं, मैंने ही जर्मन कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय किया है। आफ्टर दैट न्यू टॉपिक इज द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। सो नाजीज यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विद गियर। तो नाजी जो थे वो लैंग्वेज को यानी कि अपनी भाषा और अपने मीडिया को बड़े ध्यान से प्रयोग करते थे। दे नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर। ज्यूज को मारने के लिए उन्होंने कभी भी मर्डर और किल शब्द का प्रयोग नहीं किया। सो सेक्रेटली दे यूज मिस्टीरियस वर्ड। सो मास किलिंग फॉर्म्ड एज स्पेशल ट्रीटमेंट। मास किलिंग, अगर एक साथ बहुत से लोग को मारा तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट कहते थे या फाइनल सॉल्यूशन कहते थे। इवेक्यूएशन, डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर। और इवेक्यूएशन कब यूज करते थे, जब लोगों को गैस चैम्बर में बंद करना होता था। गैस चैम्बर कॉल्ड एज डिसइंफेक्शन एरिया, और गैस चैम्बर को भी क्वालिफाइड किया हुआ था, उसको ये डिसइंफेक्शन एरिया कहते थे। नाजी क्लास या नाजी आइडियाज स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेज, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर एसेट्रा। और जो नाजीज के आइडिया थे उनको लोगों में या पूरे जर्मन सोसाइटी में फैला दिया जाता था विजुअल इमेज के द्वारा, फिल्म के द्वारा, रेडियो के द्वारा और पोस्टर्स के द्वारा। सोशलिस्टिक एंड लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डीजेनरेटेड।
जो सोशलिस्ट थे और जो लिबरेट थे उनको जो है रिप्रेजेंट किया जाता वीक एंड डीजेनरेटेड की फॉर्म में, कमजोर, यानी जो लिबरल और जो सोशलिस्ट थे उनको कमजोर इंडिकेट किया जाता था। प्रोपेगेंडाज फिल्म्स मेड टू क्रिएट हैटर फॉर ज्यूज, और जो प्रोपेगेंडा रिलेटेड फिल्म्स होती थी वो बनाई जाती थी सिर्फ और सिर्फ ज्यूज को जो है जर्मन को जो है ज्यूज के अगेंस्ट नफरत फैलाने के लिए। ज्यूज वर रेफर्ड एज वर्मिन, रेट्स एंड पेस्ट, और जो ज्यूज होते थे जो यहूदी होते थे उनको वर्मिन्स कहा जाता था, रेट्स कहा जाता था और पेस्ट कहा जाता था। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस टाइप ऑफ कोडिफाइड वर्ड दे यूज्ड फॉर किलिंग अनडिजायरेबल मास फ्रॉम द ऑफ द जर्मनी। सो टुमारो आई विल टेल यू या एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। टिल देन थैंक यू।